मैथड टेक्नीक्स एंड टूल्स ऑफ एवेल्युएशन ये साडा अज दा टॉपिक रहेगा। तो असी जिहड़ा अज दा साडा टॉपिक है उसनू देखदे हां, तो इहदे विच असी गल करन वाले हां एवेल्युएशन मैथड टेक्नीक्स एंड टूल्स। आम तौर पर साडे दिमाग च क्वेश्चन जिहड़ा है हमेशा रहिंदा है कि वट टू मेजर, वट टू ऑब्जर्व। जदों असी एज अ टीचर हाँ तो सानू ये पता होना चाहिए कि असी की एवेल्युएट करना है। जिहड़ा एजुकेशन की जो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन लेने तो असं कहने कि ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, जां असी एक होर डेफिनेशन कहने इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, जां फिर असी इसनों होर जिहड़ा एलैबोरेट करते हैं तो असं कहने इट इज़ द ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ द परसनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो जो असी परसनैलिटी पर आने तो साइकोलॉजी सानू कहती है कि ह्यूमन परसनैलिटी इज़ अ बिल्ड ऑफ थ्री डिफरेंट डोमेन्स। असी तीन डोमेन की गल करते हैं, एक है कग्निटिव, दूसरे है अफेक्टिव डोमेन जिसनों असी इमोशनल एस्पैक्ट ऑफ परसनैलिटी भी आखते हाँ, साइकोमोटर जिसनों असी अफेक्टिव डोमेन भी आखते हैं। तो जो असी ये देखांगे तो सानू ये पता होना चाहिए कि कग्निटिव एबिलिटीज तो की मतलब है। जो असी कग्निटिव डोमेन की गल करते हैं तो असी कहने इट इज़ रिलेटेड टू कग्निशन, इट इज़ रिलेटेड टू मैंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो वह असी चैक करना है कि वो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, रीजनिंग एंड लॉजिक कि है, जो कि परफॉर्मेंस दे रहा, कि डिग्री अचीव कर पा रहा और कि बैटरमेंट या मॉडिफिकेशन हो पा रही। दूसरी डोमेन जिद बारे असं गल करते हैं दैट इज अबाउट अफेक्टिव डोमेन विच इज अबाउट द एबिलिटीज ऑफ, इट इज़ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ अबाउट द इमोशनल डोमेन ऑफ द चाइल्ड। तो ये असी गल करते हैं कि जोड़ा एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, जोड़ा इंट्रस्ट है, जोड़ा एक्सप्रैशन है, कम्यूनीकेशन है, इमोशन है, फेथ है, असी इस मेजर करना है। और साइकोमोटर एबिलिटीज जीडिया ने असी इस भी देखते हैं तो असं कहने कि इट इज़ ऑल अबाउट दैट हैंड ऑन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑफ दैट ग्राउंड एंड फील्ड वर्क एंड इट इज़ ऑल अबाउट स्किल एंड कंपीटेंस। तो असी तीन तरह की गल जी है, तीन डोमेन्स की गल करते हैं जिन्होंने असं कहने कि मोटर एक्टिविटीज़ जीडिया ने किवें दियाँ ने और उसका इमोशनल बेंट किवें दा है, तो परसन का कग्निशन किवें दा है। जो असी किसी ह्यूमन बीइंग नू देखते हैं तो असी इन्हां तिना डोमेन्स नू एवैल्यूएट करना है। टीचर की ड्यूटी की है, इट इज़ एजुकेशन इज काउंटेड एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यदा मतलब है वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो सानू जो तीनों जिहड़े बिहेवियर ने उन्होंने रिफाइन करना है, जे रिफाइन किवें कर पावांगे, वैन वी आर वैल वर्स अबाउट वट इज़ एक्चुअल स्टेटस ऑफ, जदों सानू ये पता होवे कि एक्चुअल जिहड़ी है किस तरह का बिहेवियर है, जां उसकी बिहेवियर का जे उन्हें क्वांटिटी चेंज करिए तो किन्ना है और असी उस किन्ना होर ऐड कर सकते हैं, जां किस तरह की मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ, वो एटीकेट्स किन्ने अच्छे ने, नॉलेज डोमेन किन्नी अच्छी, वह आई क्यू लैवल किन्ना है, वो स्किल एफिशिएंसी किन्नी है, इधर एनी नीड ऑफ दैट अदर प्रैक्टिस एंड रिफाइनमेंट एंड ट्रेनिंग, और दैट परसन इज आल्सो एट प्रेजेंट इज ऑन द दैट मास्टरी लैवल। तो असी सानू ये देखना पड़ेगा, तो जेकर सानू ये पता करना है कि वह लैवल की है प्रेजेंट, तो सानू उसनू एवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, जदों असी कहने एवैल्यूएट करना पएगा तो तीनों डोमेन जिहड़ियां ने यह तीनों डोमेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स जिहड़े ने उन्होंने उपर बेस्ड हैं। जदों असी कहने कग्निटिव एबिलिटीज़ नू चैक करना है तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन एग्जामीनेशन, टैसटिंग एंड दैट एवैल्यूएशन। तो असी इहदे विच वो टैसट, वो क्वेश्चनियर, वो सारे जिहड़े हैगे आ क्लासरूम जां इंटरनल और एक्सटरनल टैसटिंग मैथड्स ने वह लगावांगे। जदों असी कनेटिवस की गल करते हैं जिसनों असी अफेक्शन डोमेन भी आखते हैं, जी कनेटिव डोमेन है असी उस देखते दे हैं कि वो परसन जिहड़ा है वो अपने फीलिंग, अपने एक्सप्रैशन, अपने बिहेवियर, अपने फेथ की गल करनी है, और असी इसलिए कोई मेजर उस तरह का नहीं लगा सकते जिद असी उसू क्वेश्चन दईए तो आंसर दे असी टैसट कर लिए किन्ने परसेंट ईमानदार है। जे किसी ने क्वेश्चन पूछा जाए तुम ईमानदार हो तो ऑलवेज वी हैव दैट द सेम रिस्पोंस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन दैट यस आई एम ऑनेस्ट परसन। तो इस तरह आंसर नहीं लिया जा सकता, असी उसनू किवें करना है, असी उस दे उपर जे असी किसी पूछ लिया जाए कि तुहाडा जिहड़ा है
परमात्मा या गॉड बारे थोड़ा फेथ की है ना, इट इज़ नॉट पॉसीबल कि वह परसन थानू दसे कि मैं किलो च परमात्मा या मैं 100 ग्राम च परमात्मा जानता हाँ. टू गिव हिज और हर आइडिया दैट परसन हैव टू दैट नरेट और हैव टू एक्सप्रैस देयर फीलिंग देयर थॉट्स देयर फेथ अबाउट, तो वह नरेटिव आएगा. नरेशन जो आएगी तो वह प्रोजेक्ट करेगा, तो असं इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स लगावे, असी उसनू रेट करांगे. रेटिंग किवें होएगी कि मतलब तुहाडा फेथ किन्ना है, मतलब यू आर हार्ड कोर फॉलोअर ऑफ दैट गॉड है ना, यू डोंट हैव एनी फेथ इन गॉड, तो एग्जिस्टेंस दे विच असी कहांगे सम हो जा कुछ होर एवरेज, तो असी उसनू रेट करते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग. तो वह परसन नू प्रोजेक्ट करना पेगा, तो प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स असी लगानियां हुंदियां ने. जां असी कहीए कि कोई परसन क्रिएटिव है कि नहीं है, आर्ट बारे वो की है, तो असी उसनों कोई पेंटिंग दिखा दी, जिमें कहें कि मोनालिजा की पेंटिंग बारे जानते हो, आर यू ऑल अवेयर अबाउट दैट की है वट इज किस पेंटर ने बनाई है, आर यू अवेयर अबाउट क्या सिर्फ मोनालिजा ही सुनी है? सर कुछ विंस डा विंसी करके कुछ नाम है, पूरा नाम नहीं याद. हाँ, दा लिनार्डो विंसी, और वो पर्सन जेड़ा पर्सन है हाँ उस दिया दो पेंटिंग बढ़िया सुपर है गया, द लास्ट सपर. लास्ट सपर सुने सुनी है पेंटिंग के नहीं, कहते कि ईसा हाँ जी सर हाँ ईसा द लास्ट हाँ जी सर सुनी है हाँ ईसा द लास्ट जेड़ा डिनर है ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? सर उसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि हम उसे किसी भी एंगल से देखे हमें ये लगता है कि वो लड़की हमें देख के स्माइल कर रही है. नहीं 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 हाँ काफ़ी कुछ ठीक है. मतलब आज तक कोई पर्सन उसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं दस पाया कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दैट लेडी एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑन हर फेथ, की एक्सप्रेशन ने. वो कहते हैं कि परसन के इनर से डिपेंड करता है, जो परसन हैप्पी मूड चा तो उन्होंने हसती दिखाई देती है, और जो परसन सैड जाता तो उसनों वो बड़ी उदास गंभीर दिखाई देती है, तो दैट इज स्पेसिफिकेशन. तो यह मतलब है कि कई बार इस तरह दीज़ा ने जिन्होंने तुम डायरैक्टली नहीं दस सकोगे कि की है ये यस नो च नहीं आन गया, तो उन्होंने वास्ते तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रैस करना पड़ेगा. तो असी पेंटिंग के नाल भी इस जोड़ दें कि पेंटिंग एक्सप्लेन करने लिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ है ना, वट यू थिंक अबाउट दैट पेंटिंग, यू हैव टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, तो वही गल ये होंगी है. अगली गल असी साइकोमोटर एबिलिटीज की करते हैं, जिन्होंने असं कहने कि स्किल परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस. जो तुम जरा फील्ड वर्क कर रहे हो, जो तुम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो तुम कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, या तुम कोई जिमनास्ट एक्ट कर रहे हो, उस टाइम तो तुम परफॉर्म करते हो, तो उन्हें एक्ट के डायरैक्टली ऑब्जर्व किया जाता है. मान लो कोई परसन बॉक्सिंग रिंग च आया, तो वह कोच जोड़ा है उसके हर मूव न हर पंच न हर उसकी डिफेंस न वो पहला ऑब्जर्व करता है, एंड दैन दैट परसन विल बी इन पोजिशन टू गिव हिम और हर एनी असिस्टेंस अबाउट हाउ टू इंप्रूव दैट टेक्नीक. तो इस तरह करके असी ऑब्जर्वेशन मैथड के नाल टेक्नीक्स. हुण तुहानू इन्नी कु गल समझाई कि मैं कह के रहा कि वाई वी हैव नीड वट टू ऑब्जर्व है ना, पहला सीगा वट टू ऑब्जर्व, उहदे विच असी कहा तीन डोमेन्स, अगला है हाउ टू मेजर, फिर जेकर तिने डोमेन्स ने तो साडे कोल मैथड किहड़े ने, असी कहा तीन मैथड ने. ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ. ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਓਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਇਨ ਅਕੈਡਮਿਕਸ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 1000 ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, 100 ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ. ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
जिहड़ा हैगा दो तरह की एबिलिटी की गल हैगी है। असी टैस्ट नूं रिटन च लैंदे आ जां ओरल च लैंदे आ और प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो है पर बड़े वड्डे ग्रुप से लगाए जा सकते हैं और मोर ओवर इन्हां दे जिहड़े रिजल्ट्स ने वो बहुत ही एक्यूरेट रहिंदे आ। कारण यह है कि क्योंकि असी इहदे विच जिहड़ा है ब्लू प्रिंट के थ्रू बड़ा रिफाइन करके जिहड़ा टैसट है बड़ा प्लानिंग दे नाल कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो टैसट जिहड़ा है एप्रोप्रिएट बोर्ड स्कीम ऑफ वेटिंग के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और ये असी ज़्यादातर क्विज़ और क्वेश्चनियर के उपर जिहड़ा है रिटन एग्जाम के उपर बेस करते हैं। दूसरे पास प्रोजैक्टिव टैक्नीक्स ने, प्रोजैक्टिव टैक्नीक्स की गल पहला भी कर रहे थे कि यह जिहड़ियां मेजर कर दिया ने एटीट्यूड इंट्रस्ट एंड एक्सप्रेशनएबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और प्रोजैक्टिव टैक्नीक्स के असी जिहड़े टूल यूज करते हैं वो ज़्यादातर इंटरव्यू होंदी है, नरेशन होंदी है और जां उस दे विच असी जिहड़ी इमेजिनरी कोई सिचुएशन है उस बारे जिवें असी कहिंदे हां कि इफ यू बी आ प्राइम मिनिस्टर जां इफ यू बी अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वट यू विल डू फॉर द बैटरमेंट ऑफ द नेशन एज वेल एज द पीपल्स ऑफ द कंट्री। तो वो उहदे विच असी इमेजिनरी रोल दिंदे हां तां वो परसन अपने फीलिंग एक्सप्रैस करता है और ये असी जिहड़ा है सानू एनालिसिस करना पैंदा मन्यूटली वो नरेशन का, उन्हें इंटरव्यू सैशनस का, उन्हें काउंसलिंग सैशन का, तां जाके असी कंकलूजन निकाल सकते हैं और उस परसन दे फेथ उहदे चों दिखदे आ, उहदे चों बिलीव दिखदा, उहदा इंट्रस्ट एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दिखदा है। ईवन के उहदे कई बार असी उसनू इस तरह के नैगेटिव क्वेश्चन पुछदे आ तां उहदे चों फोबियाज़ का भी पता लगता है, उहदे चों उहनां दे ब्लैकर्ड्स का भी पता लगता है कि कित्थे उसदे जिहड़े बैरियर्स ने जिन्हां नूं दूर किया जा सकता और असी उहनां फीयर्स नूं रिमूव करन दे लई स्ट्रैटेजी जिहड़ियां ने वो बनाने हैं ता कि असी उसके बिहेवियर नूं होर बैटर कर पाइए और उसकी परसनैलिटी डिवेलपमेंट पॉसीबल हो पावे। एंड मतलब इंटरव्यू असी बड़ा कुछ परसन बारे जान सकते हैं। अगली गल असी करते हैं ऑब्जरवेशन मैथड्स की और ऑब्जरवेशन मैथड जिहड़े ने असी इहदे विच स्किल कंपीटेंस बच्चे की चैक करनी हुंदी है और स्किल कंपीटेंस चैक करन दे वास्ते असी की करते हैं उसनों डायरैक्ट सिचुएशनल ऑब्जर्व करते हैं इन ग्राउंड इन फील्ड इन दैट प्रैक्टिकल लैब। तो असी उत्थे जो चैक करते हैं तो वो फील्ड वर्क में, वो ग्राउंड सैशन में जो स्टेज परफॉर्मेंस में चैक करना होंगे और वो असी उसकी स्किल एफिशिएंसी जी है चैक करते हैं और फिर जिते जिते सानू जरूरत पैंदी है असी उसनू उसकी टेक्नीक उसकी जी है स्किल जां उसकी जी है ट्रेनिंग उसनू होर रिफाइन करते हैं ताकि असी उसनू एफिशिएंसी लैवल तक ले जा सकी और इहदे विच साडे कोल ज़्यादातर ऑब्जरवेशन ते रेटिंग स्केल जिहड़े ने वो टूल दे तौर ते अपलाई